हरिओम, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये गोबर गैस प्लांट हमारा बहुत बड़ा लगा हुआ है, आपके सामने वीडियो में दिख भी रहा होगा। और उसकी ये जो सैलरी है ये सूख रही है, और इसको सूखने के बाद हम केचुआ खाद बनाते हैं। परंतु हम सुखाने से पहले, केचुआ खाद बनाने से पहले हम एक प्रयोग और करते हैं जो खेतों के लिए बहुत अति उपयोगी है, अर्थात गोबर गैस जो प्लांट से जो सैलरी निकलती है उसको हम सब्जियों में उपयोग करते हैं, खेती में उपयोग करते हैं। जैसे पानी की सिंचाई होती है, इधर खेत अभी इधर सिंचाई चल रही है तो सिंचाई में भी हमने लगा कर रखा है। सिंचाई से सिंचाई पानी के साथ साथ गोबर की जो सैलरी है, मतलब गो में या खेती में, तो उसका जो उपज होती है बहुत अच्छी होती है। और ये देखिए, आप जो देख रहे हैं इधर, देखिए परवल तोड़ रहे हैं, और ये परवल हमने पिछले साल लगाया था, और पिछले साल प्रारंभ में हमने थोड़ा ही लगाया था, और उसके बाद पिछले साल हम थोड़ी थोड़ी हर रोज़ लगभग 5 किलो 3 किलो 5 किलो ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन तोड़ते थे। पर ये परवल आज अब हर दूसरे दिन तीसरे दिन तोड़ते हैं तो लगभग 20 से 25 किलो रोज़ परवल निकलती है। और इसमें हम कुछ भी नहीं डालते हैं, हर हफ्ते में 2 बार सिंचाई करते हैं, और सिंचाई करने के बाद जब सिंचाई करते हैं उसी समय हम सैलरी भी छोड़ देते हैं सैलरी। और हाँ, कई बार आप लोगों को शंका होती कि हम अगर इसमें कुछ डालते नहीं, केमिकल नहीं डालते, विदाउट केमिकल्स और पूर्णतया प्राकृतिक है। हम आपको बताएं कि जैसे हमने आपको बताया कि सैलरी की जो हम खाद, सैलरी को सुखा करके केचुआ खाद बनाते हैं, और केचुआ खाद से ही तैयार होता है एक वर्मी वास। तो हम जब कोई कीड़े उड़े लगते हैं तो लिक्विड वर्मी वास का स्प्रे कर देते हैं, तो फिर नीचे हम जो सैलरी छोड़ देते हैं जिसके कारण इसको अच्छा पोषक मिलता है, और वर्मी वास का उपयोग करते हैं। तो आपके घर में गमले हों, पौधे हों, फूल के हों, कैसे भी छोटे छोटे अपन प्लांट्स रखते हैं, तो उन सब के लिए उसको 1 लीटर पानी में सिर्फ 100 ml वर्मी वास डाल देना है, और उसको हर दूसरे तीसरे दिन पिला दीजिए। तो उससे जो उसकी उपज है, उसकी जो ग्रोथ है, बहुत गजब की होगी, आप देखते रहेंगे। तो यही आप जो देख रहे हैं तो इसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ अभी ठंडी में तो थोड़ी से सूख गई थी, पर फिर से ये हरी भरी हो गई है, और ये इतनी हरी भरी हो गई कि हर रोज़ 25 से 30 किलो, हर दूसरे दिन 25 से 30 किलो हम ये तोड़ते हैं। अभी भी आज तोड़ने जैसे हो रही है, फिर भी देखिए टोकरी आपके सामने भैया ने दिखाया होगा, टोकरी भर गई है, और फिर भी इन्होंने तो बहुत दूर दूर से तोड़ी है और बहुत छोड़ दिए हैं, बहुत ही अभी भी लगी है। तो मुझे लगता है कि 25 से 30 किलो, क्या मुझे लगता है अगर एक तरफ से तोड़ी जाए तो और भी निकल सकती है, बहुत ही लगी हुई है। तो अभी फिर भी आज हमने जितना तोड़ना था तोड़ लिया, अब आगे कल भी तोड़ेंगे, परसों भी तोड़ेंगे। अभी तक तो हम एक दिन तोड़ रहे थे, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ आप देखिए कितना लगा हुआ है, ये अंदर लगे हुए हैं ऐसे, इधर आप ये बड़े बड़े लगे हुए हैं। ये तोड़ने वालों ने थोड़ी, अभी हमारे भाई लोगों ने थोड़ी कसर छोड़ दी है, तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी उपज है। मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आपके पास अगर गोबर गैस प्लांट है तो उसकी सैलरी खेतों में, बगीचों में और ऐसे सब्जियों उगाने में प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो केचुआ खाद का उपयोग करिए, और केचुआ खाद के साथ साथ आप वर्मी वास का उपयोग करिए। वर्मी वास तो बहुत गजब का है, बहुत सारे लोगों के अनुभव ही हैं। हमने जो उगाया है तो हमको अनुभव हो रहा है कि हमने मार्केट वाले जो केमिकल वगैरह वाले होते हैं तो वो उतने फायदे नहीं होते जो वर्मी वास काम करता है। तो इसलिए आज आपको वर्मी वास की महिमा बताने के लिए हमने ये सारी दिखाई हैं। ये हम आज की वीडियो बस यहीं तक, अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ नए समय में कुछ नया कुछ लेकर के। हरिओम।